हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से क्रिकेट के मिक्सचरों में स्वागत है। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जितने भी T20 मैच हुए, उस सारे T20 मैच में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाया, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाया, क्या इंडिया के प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाया, तो इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। गाइस, तो आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का नाम। विराट कोहली जिन्होंने 718 रन बनाए हैं लगभग 59 के एवरेज और स्ट्राइक रेट 146 का रहा, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट विराट कोहली का रहा। गाइस, तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रेजेंट T20 कैप्टन एरन फिंच का नाम है, जिन्होंने 440 रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट में और बैटिंग एवरेज 29 का रहा और स्ट्राइक रेट लगभग 136 का रहा। साथ में यह भी बता दूं कि एरन फिंच बहुत ही जल्द T20 क्रिकेट से भी रिटायर लेने वाले हैं। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रेजेंट T20 प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है, जिन्होंने 431 रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट में और बैटिंग एवरेज 33 का रहा है, स्ट्राइक रेट लगभग 146 का, जो कि विराट कोहली के इतना स्ट्राइक रेट से ये भी रन बनाते हैं। फ्यूचर में हो सके तो T20 कैप्टनसी भी इनको मिल सकता है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी ये बन सकते हैं इसी सीरीज में। इनके पास मौका है कि एरन फिंच को पीछे छोड़ सके, अपने T20 कैप्टन को पीछे छोड़ सके। गाइस, तो इसी लिस्ट में चौथे नंबर पर शिखर धवन आता है, इंडियन प्लेयर जिन्होंने 347 रन बनाया, जिसका बैटिंग एवरेज 28 का रहा और स्ट्राइक रेट लगभग 139 का रहा है। ये टीम इंडिया का प्रेजेंट में प्लेयर नहीं है। साथ में यह भी बता दूं कि MS धोनी भी इस लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं, जो कि T20 से सारे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। MS धोनी ने 313 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया और बैटिंग एवरेज 39.12 का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, और स्ट्राइक रेट 112.1। प्लेयर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के टॉप 6 रन स्कोरर है। गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।